नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और आजकल जो एग्जाम्स चल रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही हम क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सी रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरी करेक्टली मैच कर रही है। तो अगर मैं नर्मदा रिवर की बात करता हूँ तो नर्मदा रिवर की तवा एक ट्रिब्यूटरी है, ये बिल्कुल सही बात है। यमुना की बात करी जाती है तो यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल रिवर है, ये भी सही है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो मानस ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है। इसका मतलब हमारे जो डी ऑप्शन यानी तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग ना हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपको रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। पिछला ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से बार बार बनते हुए आ रहे हैं। चलिए एक ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है आपको नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस बनाना है। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूँ तो नॉर्थ से साउथ का आपको सीक्वेंस बनाना है कि सबसे नॉर्थ में कौन सी है, उसके नीचे फिर उसके नीचे और सबसे साउथ में कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ऊपर दामोदर रिवर आती है। दामोदर रिवर आपको पता है वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, ठीक है। फिर ब्रह्मणी रिवर आती है, उसके बाद आपकी महानदी जो कि उड़ीसा में फ्लो करती है, तुंगभद्रा जो कि आपकी महानदी के नीचे फ्लो करती है। तो चलिए जरा इसको मैप की मैप से समझते हैं। तो अगर आप मैप देख पा रहे हैं क्लियरली, तो मैप में आपको दिख रहा होगा कि वेस्ट बंगाल में सबसे पहले तो आप हुगली रिवर को देख लीजिए, ठीक है। हुगली रिवर के जस्ट नीचे आपके सुवर्णरेखा रिवर है, ठीक है, और हुगली रिवर के पास ही आपकी दामोदर रिवर भी है। सुवर्णरेखा रिवर के जस्ट नीचे ब्रह्मणी रिवर है, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपकी कौन सी रिवर है, महानदी नीचे दे रखी है। ब्रह्मणी के जस्ट नीचे महानदी है, महानदी की एक जो ट्रिब्यूटरी है वो तेल रिवर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपकी गोदावरी रिवर है, उसके बाद आपकी कृष्णा रिवर है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सीक्वेंस भी रिवर्स का याद होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते चले आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको वेस्ट से ईस्ट यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको अरेंज करना है। तो अगर मैं सबसे वेस्ट की बात करता हूँ तो आपका यहाँ पर सबसे वेस्ट में आपका क्या आ जाता है, तीस्ता रिवर आ जाता है नंबर वन पे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सुबनसिरी रिवर, और सुबनसिरी रिवर के बारे में एक और क्वालिटी याद रखिएगा बेटा, ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ब्रह्मपुत्र की है। उसके बाद आपका लोहित रिवर, और उसके एंड में अरुणाचल प्रदेश में आपका दिबांग रिवर आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा रिवर के बारे में समझते हैं थोड़ा। तो तीसरा रिवर जो है वो आपकी बेटा 309 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, जो कि सिक्किम के थ्रू, सिक्किम जो हमारा राज्य है वहां से बहना शुरू कर देती है, और उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है वो रिवर क्या होती है, तीसरा रिवर में मर्ज हो जाती है। और मर्ज होने के बाद यानी देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तीसरा रिवर, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो जब दोनों मर्ज होती है तो बेटा इनको कौन सी, जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर जब मिल जाती हैं, उसके बाद ही बांग्लादेश में एंट्री करती हैं, तो उसको हम जमुना रिवर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेंटिव ग्लेशियर। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो गहन अवनालिका अपरदन के प्रभाव के कारण बनी है, तो हम सभी को पता है वो आपका चंबल रिवर है, यानी आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चंबल रिवर आपको पता है एमपी में फ्लो करती है, और चंबल रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियरोजन के प्रभाव से प्रभावित है, ठीक है। चंबल की घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वो चंबल की जो घाटियां हैं वो चंबल रिवर द्वारा ही निर्मित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता। यानी अब आपको साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ आपको रिवर को अरेंज करना है। तो सबसे साउथ में अगर रिवर की बात करी जाए तो आपकी पेन्नार रिवर है, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। उसके बाद आपकी कृष्णा रिवर आती है, उसके बाद आपकी गोदावरी रिवर, और एट द एंड आपकी महानदी रिवर आती है।
यानी आपका बी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। आज मैं सीक्वेंस की सीरीज इसलिए स्पेशल लेके आया हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो पीजीटी हो टीजीटी हो, आपको मिलना ही मिलना है। और ये काफी बच्चे जो हैं इसमें काफी ज्यादा गलतियां करते ही करते हैं। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह की ट्रिब्यूटरी होती हैं। मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ये राइट साइड हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड। तो ये जो डायरेक्शन है ये इंडस रिवर की है, तो इंडस रिवर की आपकी कौन सी पूछी जा रही है बैंक की ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट, यानी आपकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी में बेटा 1, 2, 3 ही है, जास्कर, सोरो, द्रास हैं, गिलगित नहीं है, ये चीज याद रखना। ठीक है, लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरी में आपकी कौन कौन सी हैं? जास्कर हैं, सोरो है और द्रास हैं, पर गिलगित नहीं है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये एक बार रिपीट हो चुका है, पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने बायो ज्योग्राफिक रीजन है इंडिया के अंदर। तो बेटा इंडिया के अंदर 10 बायो ज्योग्राफिक रीजन है। ठीक है, कितने बायो ज्योग्राफिक रीजन है इंडिया के अंदर? आपके 10 बायो ज्योग्राफिक रीजन भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। एक तो आपका ट्रांस हिमालय हो गया, फिर आपका हिमालय, डेजर्ट रीजन, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेकन प्लेटो, गैंगटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, कोस्टल जोन, आइलैंड्स, ये सारे जो हैं आपके टोटल 10 बायो ज्योग्राफिक रीजन है जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वो है, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कौन सा पाखुई वन्य जीव अभयारण्य भारत के कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अब ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बेटा रिसेंटली अभी न्यूज में इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें चल रही थी कि पाखुई वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोव कवर इन इंडिया। तो भारत के अंदर 2019 की जो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत में मैंग्रोव कवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? बेटा झारखंड के पीजीटी के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा, झारखंड के पीजीटी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 1.10% की वृद्धि आपकी देखी गई है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में 1.10 की वृद्धि देखी गई है। तो बेटा एक बार 2021 की भी रिपोर्ट देखना, उसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 24.64% एरिया में इंडिया के अब फॉरेस्ट कवर है, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपका एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है अगर एरिया की बात करें। और अगर हम बात करेंगे कि परसेंटेज की, तो परसेंटेज में आपका नंबर वन पे मिजोरम है, मिजोरम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर पावर। तो बेटा थर्मल पावर जो है, जो न्यूक्लियर पावर है, उसके प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक जो है वो किस राज्य को दी जाती है? तो वो दी जाती है महाराष्ट्र को। पहला जो पावर प्लांट है वो यहाँ का तारापुर है। ठीक है, कई सालों तक लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में भी इसे जाना जाता था, काफी ज्यादा बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता था। तो जरा मैं आपको देख के समझते हैं, अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की, तो ये देखिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसकी 2 कैपेसिटी है यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, वहीं कर्नाटका में कैगा है, तमिलनाडु के अंदर आपका कुन्नकुलम है, और ये लार्जेस्ट है आज के टाइम पे। क्या है, लार्जेस्ट भी है और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी ये करता है। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। फिर अगर यूपी की बात करें तो नरोरा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो काकरा पारा है, और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में रावत भाटा नाम का एक एटॉमिक पावर प्लांट है, और वेस्ट बंगाल में हरिपुर है, इसे भी याद रखिएगा। आंध्रा में कुवाडा है। ठीक है, और तमिलनाडु में एक और जो है वो मद्रास है, तो इसको भी याद रखिएगा। और एमपी में 1-2 अभी नए खुलने वाले हैं जिसमें चुटाका और भीमपुर भी शामिल हैं, तो ये चीज भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस
ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर एग्जाम्पल्स आर करेक्ट। तो कौन से रिसोर्सेस के टाइप और उसके एग्जाम्पल जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बेसिक इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स की, तो बिल्कुल सोलर एनर्जी ही है, ठीक है। कॉन्वेक्शनल की बात करें तो नॉन कॉन रिन्यूएबल जो है कोल है, नॉन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हाइडल है, यानी आपके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मूल अक्षय संसाधन सौर ऊर्जा है, गैर नवीकरणीय संसाधन कोयला है, और नवीकरणीय संसाधन हाइड्रल पावर है, और गैर नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस है, यानी चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा पढ़ के बताइए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेव पावर प्लांट वर्किंग ऑन ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम टेक्नोलॉजी। तो बेटा एक ये बड़ा ही बेहद यूनिक क्वेश्चन है, इनमें से बोला गया दुनिया का पहला वेब पावर प्लांट कौन सा है जो ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम टेक्निक के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो वो आपका है विजिन जाम वेव एनर्जी प्लांट, ठीक है। विजिजम वेव एनर्जी पावर प्लांट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके पीजीटी में आने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द दीन बंधु मॉडल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन कन्वेक्शनल पावर रिसोर्स फाउंड इन इंडिया। तो बेटा एक दीन बंधु मॉडल जो है भारत में पाए जाने वाले, इनमें से कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से संबंधित रखता है। तो बेटा ये है बायोगैस प्लांट, ठीक है। क्या है ये दीन बंधु जो मॉडल है वो बायोगैस प्लांट से संबंधित है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, जनरली स्टैंडर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर डिजाइन टू एनकरेज द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किस तरह की चीज़ों का उपयोग करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे बढ़िया ऑप्शन दे रखा है ए, ठीक है। नेचुरल चीज़ों को हम यूज करते हैं एज अ खाद, ठीक है, एज अ मैन्योर। हम क्या करते हैं, नेचुरल चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया बेटा, ठीक है, आपके सब्जी के छिकल वगैरह हो गए, तो इन सारी चीज़ों को यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो बेटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इनमें से किस प्रोग्राम से संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है किस प्रोग्राम से, वो है डी ऑप्शन, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, यानी एच वाई वी सीड से संबंधित है। एच वाई वी सीड बेटा क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इन चीज़ों से क्या है वो संबंधित है आपका, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में आया था, एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बर्लॉग जो हैं वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैश क्रॉप इन उत्तराखंड। तो बेटा उत्तराखंड की नकदी फसल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो आपकी क्या है, वेजिटेबल्स है, यानी सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां वहाँ की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ये उत्तराखंड स्पेशल से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज कंसीडर्ड इको फ्रेंडली। तो इनमें से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल मानी जा सकती है, तो वो है जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, सबसे अलग सबसे बढ़िया आंसर आपका यही निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो बेटा भारत सरकार ने फसल बीमा प्रोग्राम एक चालू किया था, तो वो किस वर्ष चालू किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, यानी 1985 में इसको क्या किया गया था, चालू किया गया था। तो इस चीज को भी जरा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू अवेल द स्टैटिस्टिकल मैथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहला मैथड किसने यूज किया था, तो वो थे वीवर, ठीक है, याद रखिएगा, वीवर ने सबसे पहला यूज किया था। वीवर के बाद डॉई भी थे, फिर रफीउल्ला भी थे, और इन दोनों ने भी क्रॉप कॉम्बिनेशन के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो 1954 में वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन का मेथड यूज किया था, स्टैटिस्टिकल मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो इनमें से नदी और उनपे बने हुए बांधों को कौन से मैच जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, वो आपको पहचानने हैं। तो इंदिरा सागर जो बांध है वो एमपी में है, कृष्णा राज सागर कर्नाटका, मेट्रो डैम तमिलनाडु, और ये बिल्कुल चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आपका चेरुथोनी डैम जो है वो केरला में है, इंदिरा सागर डैम एमपी में है, कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो कर्नाटका में है। आप कृष्णा डैम को भूल जाइए, कृष्णा डैम आपका आंध्रा में है, पर ये कृष्णा राजा सागर डैम है, इसीलिए दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो इनमें से इंडिया भारत के अंदर कौन सा सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, तो बेटा वो सी ऑप्शन है, कुएं और नलकूप। क्या है? कुएं और नलकूप सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं सिंचाई के भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर 63.15% जो सिंचाई है वो कुएं और ट्यूबवेल की मदद से करे जाते हैं। चलिए, आप सभी को पता है NH-44 जो है वो लॉन्गेस्ट आपका नेशनल हाईवे है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा नेशनल NH-44 की लेंथ जो है वो कौन से राज्य में है, तो वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, NH-44 की सबसे ज्यादा जो लेंथ है आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सबको पता है, NH-44 लार्जेस्ट है, पर ये किसी को नहीं पता होगा कि लॉन्गेस्ट वो कौन से राज्य से होकर गुजरता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ में ऐड किया है। ठीक है, तो कितनी लंबाई है? 627 किलोमीटर लंबाई है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में 627 किलोमीटर आपकी लंबाई है NH-44 की। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया। तो बेटा इनमें से लार्जेस्ट शिपयार्ड कौन सा है भारत का, तो वो आपका कोची पोर्ट है जो कि केरला में है। कौन सा है? कोची पोर्ट है वो आपका केरला में है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिलो 25। तो 25 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या भारत में कितनी है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम दोबारा करेंगे इसको। तो लगभग 50% जनसंख्या जो भारत की है वो 25 वर्ष से कम उम्र की पाई जाती है। ठीक है, तो अब जरा 65% से ऊपर के पॉपुलेशन देख लें, तो वो आप सॉरी भारत के अंदर 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 की एज से ऊपर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द सोम्पेंस आर द वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बेटा सोम्पिन जो ट्राइब है तो वो भारत के कौन से राज्य की ट्राइब है? बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया। तो अंडमान एंड निकोबार, बेटा अंडमान एंड निकोबार की जितनी भी ट्राइब हैं वो आप रट लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो सॉम्पशंस जो है वो अंडमान एंड निकोबार की है, ये चीज याद रखना। अंडमान निकोबार में भी तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये पाई जाती है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीकर्स इन इंडिया। तो भारत में भाषा के घटते क्रम को दिखाना है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली बोली जाती है, फिर तेलुगु बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, फिर तमिल लैंग्वेज, और एट द एंड उर्दू लैंग्वेज। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पीडीएफ में शामिल किया। तो परसेंटेज देख सकते हैं, तो हिंदी 53.60%, बंगाली 8.86%, तेलुगु 8.26%, ठीक है, मराठी 8.16%, तमिल से 8.649% एंड उर्दू 5.74% पॉपुलेशन के द्वारा भारत में बोली जाती है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही होगी। सो अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेटा हम ऐसे ही नए क्वेश्चंस आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहें। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो की। Fearless.